नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। अभी का लेटेस्ट वर्जन है ये अबाउट अप्रोक्स सभी डिवाइस में जो है ये लगभग अपडेट आ रहा है और बहुत डिवाइस में अभी तक नहीं आया है तो सबके लिए आएंगे। तो ऐसे में जो है जिसका अपडेट नहीं आया है चाहे वो कोई भी डिवाइस हो तो उनको अपडेट कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में, पूरे देखते रहिएगा। और उसके लिए रिक्वायरमेंट है रूट की, और रूट के बाद जो है अब आपको रिकवरी को इंस्टॉल करना है। इन दोनों का जो है कैसे करना है मैं इसका वीडियो मैंने बनाया है, वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर। जैसे कि अगर आपका डिवाइस कोई सैमसंग का J7 है तो आप सर्च कीजिए नोगट रोम फॉर J7, बस ऐसे ही कर देना, उसके बाद आपका मिल जाएगा। जैसे आपका कोई भी डिवाइस हो तो उसके थ्रू आप जो है सर्च कीजिएगा। जैसे ये देखिए, रिकवरी में जाने के लिए आपको मोबाइल अंकल टूल को जो है इंस्टॉल करना है, और वहाँ पर जाने के बाद आप इनटू रिकवरी मोड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करें और इसमें ओके कर दें, तो इससे जो है आपका डिवाइस जो है रिकवरी मोड में चला जाएगा। जैसे मैंने इसे ओके किया तो मेरा जो रिकवरी मोड में चला गया था। इस तरह से आप रिकवरी मोड में करना है। तो अब मैंने यहाँ पे देख सकते हैं मैंने रिकवरी मोड में बूट कर लिया। तो अब यहाँ पे जो है आपको एक फायरमेड सॉफ्टवेयर जो कि आप 7.0 का डाउनलोड करेंगे वो जरूरत पड़ेगी। और तो रिकवरी जैसे देखिए मेरा आ चुका है, यहाँ पे इंस्टॉल वाइप बैकअप रिस्टोर माउंट है। मैं सबसे पहले वाइप करता हूँ, यहाँ पे वाइप सिस्टम कैश डाटा, बस इतना कर दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप वाइप स्वाइप कर दीजिए और ये हो जाएगा। जैसे देखिए वाइप सक्सेसफुल हो चुका है, इसे जो है कि आपका जो सारा डाटा है सिस्टम है वो डिलीट हो जाएगा। अब जो आपने डाउनलोड किया था रोम उसको इंस्टॉल कीजिए। जैसे मैंने एक्सटर्नल में रखा था तो मैंने सर्च करके इसे रख दिया, यहाँ पर मैंने इसे भी इंस्टॉल कर दिया। तो ये देखिए ये इंस्टॉलिंग हो रही है सिस्टम। बस वो जो मैंने किया वो अभी मैंने जो इंस्टॉल किया बस वो सिंपल सा मैंने मेमोरी कार्ड में रखा था, मैंने वहीं से सर्च करके कर दिया इंस्टॉल। तो यहाँ पे मुझे 5 या 7 मिनट लगा था लगभग। इसमें जो है आपको भी लग सकता है शायद 5 या 7 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट लग जाएगा, कोई उससे ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं बता दूं कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बनाई है और मैं बनाते रहता हूं एंड्रॉयड मॉडिफिकेशन अपडेट कैसे अपडेट करना है किसी भी डिवाइस को, ओल्ड वर्जन चाहे वो 2.0 से कोई भी डिवाइस हो उसको कैसे करना है, तो मैं इसे बनाते रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किए हैं। तो जैसे देखिए मेरा फ्लैशिंग हो चुका है, अब यहाँ पर एक और फाइल को फ्लैश करनी है जिसका नाम है गैप्स। ये है देखिए, ये ओपन GAPS है, गैप्स है, ये प्ले स्टोर और प्ले सर्विस को बस लाता है इसको इंस्टॉल करने के बाद। तो इसे भी इंस्टॉल कर दीजिए, और इसे इंस्टॉल करने के बाद जैसे मैं इसका भी वीडियो बना दूंगा आप जो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहां से आपको मिल जाएगा गैप्स को कैसे डाउनलोड करना है। अब देखिए मैंने जो है इसे भी इंस्टॉल कर लिया गैप्स को भी। अब यहां पे जो है मैं अब रिबूट करूंगा इस डिवाइस को। जैसे देखिए मैं कुछ दिखा दूँ आपको, डेटास इतने सारे फ्लैश हुए हैं ये जो सारे लिस्ट में हैं। तो अब यहाँ पर मैं रिबूट करने जा रहा हूँ, रिबूट सिस्टम या डन, यहाँ पे कुछ भी कर दें, स्किप टू इंस्टॉल करते हैं, डू नॉट इंस्टॉल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैंने डू नॉट इंस्टॉल कर दिया। तो अब यहाँ पे इसका कुछ देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं अपडेट करने के बाद। जैसे बूट इमेज तो ये लेनोवो का ही है, अब आगे देखते हैं क्या चेंज होता है। देखिए यहाँ पर जो है बूट एनिमेशन कुछ चेंज हो चुका है CR ड्रॉइड के नाम से, ये इस तरह से चेंज हो चुका है। और वेट किया मैंने बूटिंग में लगभग 2 मिनट लग गया। तो अब ये देखिए कुछ वेलकम लोगों कुछ इस तरह से आया, लेट्स गो गूगल का जो है आइकन, तो यहाँ पे लेट्स गो क्लिक करते हैं। और यहाँ पे जो भी आपका सिम सेलुलर डाटा सेटअप करना चाहते हैं वो सब, ये सब सिंपल सेटअप है तो इसको स्किप कर दें, मैं स्किप कर रहा हूँ आपको। और यहाँ पे ये लॉन्चर को सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए काफ़ी ये अच्छा ही लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है आइकन्स, और यहाँ पे स्टेटस बार, ये सिस्टम ये काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है अपडेटेड के बाद। यहाँ पे देख सकते हैं ये सेटिंग कुछ ये पूरा चेंज हो चुका है नोगट में, जिस तरह से गूगल पिक्सल नेक्सस मैनी मोर डिवाइस जो रहते हैं उस तरह से यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी बहुत दिए गए हैं। रिसेंट साउंड एनिमेशन, इसका मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा वहाँ, उसको चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए कुछ और भी मैं सिंपल सेटिंग आपको दिखा दूँ, एक एक तो दिखा नहीं सकते। ये पूरा चेंज हो चुका है नोगट की तरह, ये फुल्ली UI है नोगट का, बस UI नहीं पूरा सिस्टम, ये तो अब UI की क्या बात है। तो ये देखिए कुछ मैं आपको इसका मैं एगेस्टर भी शो कर दूं। ये देखिए मेरा मॉडल नंबर K4 नोट था, बट ये जो है इस तरह से फ्लैशिंग जो है किसी भी डिवाइस में कर सकते हैं, चाहे लेनोवो हो या रेडमी हो या मतलब माइक्रोमैक्स या एनीथिंग लाइक कोई भी हो तो उसमें फ्लैश कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा और आप शायद जान गए होंगे कि कैसे फ्लैश करना है।
तो इसको बोलते हैं फ्लैशिंग ही बोलते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब, और कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बाय।